वहीं सुपेला थाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत अपहरणकर्ता के चंगुल से एक नाबालिग को बरामद करने में सफलता हासिल की है। मामले में 3 अपचारी और 1 आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया गया है। सुपेला थाना पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम हुए बच्चों को तलाशने अभियान चलाया जा रहा है। सुपेला क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थी द्वारा अपनी 15 वर्षीय बेटी के 2 माह से गुम होने और अपहरण करने की आशंका जाहिर की गई थी। पुलिस द्वारा सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही थी। आखिरकार पुलिस के हाथ सफलता लगी। आरोपी को रिसाली से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने 2 अपचारी साथियों के साथ पीड़िता को उसके घर के पास एक्टिवा में बिठाकर अपने दोस्त जीतू के घर ले गया था। इसके अलावा आरोपी पीड़िता को भोपाल एवं अन्य क्षेत्रों में घुमाता रहा। आरोपी भोपाल से वापस आकर पीड़िता को रिसाली में छुपाकर रखा हुआ था, जिसे सुपेला पुलिस के महिला स्टाफ द्वारा अपचारी के कब्जे से मुक्त कराया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शादी का प्रलोभन देकर उसे रिसाली भोपाल में रखकर अनाचार किया गया है। बहरहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए 3 अपचारियों को बाल संप्रेक्षण गृह एवं 1 आरोपी ज्योति को जेल भेज दिया है। कार्रवाई में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक रजनीकांत दीवान, खुशबू वर्मा, प्रधान आरक्षक संतोष शर्मा, विकास तिवारी, सुरेंद्र पटेल, राहुल साव, तोशी देवांगन की उल्लेखनीय भूमिका रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।